आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं जबलपुर की। देर रात होटल अंपायर में पुलिस की रेड पड़ी है, शराब पार्टी करते पकड़े गए लोग। परमिशन ना होने के बाद भी शराब पार्टी चल रही थी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नए साल के पहले प्रशासन का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। गोला बाजार थाना क्षेत्र का यह मामला जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देर रात होटल अंपायर में पुलिस ने रेड मारी है और शराब पार्टी करते लोगों को पकड़ा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिना परमिशन, बिना अनुमति के इस होटल में शराब पार्टी चल रही थी, परमिशन ना होने के बाद भी शराब पार्टी चल रही थी, इन्हें हिरासत में लिया गया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और चलेंगे जबलपुर, बात करेंगे सहयोगी कुमारिंदर से। कुमारिंदर, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही, नए साल का त्यौहार सामने है, क्या कुछ कार्रवाई इस बार की गई जबलपुर के होटल अंपायर? हाँ देखिए, पिछले दो तीन दिन से पुलिस की जो है देर रात की कार्रवाई चालू है, जिसमें पुलिस उन संस्थानों में छापामार कार्रवाई करी जहां पर शराब और बार का जो है वो लाइसेंस नहीं है। तो पुलिस ऐसी जगह पे दबिश दे रही है और देख रही कि लाइसेंस यदि जहां पर नहीं तो वहां पे क्या शराबखोरी चल रही है या नहीं। तो उसी कड़ी में बीती रात जो है बरेला थाना अंतर्गत ये होटल एम्पायर में पुलिस पहुंची थी और वहां पर किसी तरह का शराब परोसने का या बार का लाइसेंस नहीं था, उसके बावजूद कुछ लोग वहां पर शराब पी रहे थे। इसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर न केवल शराब जब्ती की बल्कि युवकों के खिलाफ केस भी दर्ज किया और होटल संचालकों को भी साफ कड़े लहजे में हिदायत दी है कि यदि इस तरह की दोबारा हरकत की गई तो उनके खिलाफ भी जो है वो मामला दर्ज किया जाएगा। तो नए साल के तहत जो है किसी तरह की व्यवधान ना हो, इसी कड़ी में जो पुलिस लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है और ये नए साल तक लगातार पुलिस का ये अभियान जो है वो जारी रहने वाला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कुमारिंदर खबर को विस्तार से बताने के लिए, बात करने के लिए।